नमस्ते, मैं सनी, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। स्वागत है एक बार हमारे फिर यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ फ्रेम में एक दंपत्ति जुड़ा देख रहे। इस कलयुग में, इस बदलती दुनिया में, एक छोटी छोटी बात पे रिश्ते का टूटना, रिश्ते से अलगाव करना, रिश्ते का बिछड़ना बहुत आप देखे होंगे। लेकिन इस आधुनिक काल में, इस कलयुग में, एक ऐसे जोड़े से हम आज आपको रूबरू कराएंगे कि किसी कुछ वर्ष पहले, यानी लगभग 10 वर्ष पहले, एक ऐसी घटना हुई थी दंपत्ति जीवन के बीच में, जिनके पूरे जीवन को एक अलग दिशा में ले गया। उसी दिशा, उसी घटना के बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ सुवेद भैया जी और उनकी वाइफ मैम सपना जी और छोटे मोटे नन्हे बच्चे कार्तिक जी, इन जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे, क्या हुआ था उस 11 वर्ष पहले और अभी के पहले में कितना अंतर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते, सभी लोगों का स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम भी ठीक हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। मैं चाहूँगा 11 वर्ष पहले जो घटना हुई थी, एक ऐसा मोड़ लाया था आपके जीवन में कि आपकी दुनिया की थोड़ी सी बदल दी, उसके बारे में थोड़ा समय बताइएगा, क्या हुआ था उस घटने के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था सन 2013 में। उस एक्सीडेंट में मेरे जो है रीढ़ की हड्डी के 2 गुरिया टूट गए थे। लेवल भी बता देते हैं, उसका लेवल था L1 और D12। डॉक्टर ने मुझे तुरंत ही मना कर दिया था कि अब आप शायद ही अपने इन पैरों पे ज़िंदगी में दोबारा चल पाएंगे। लेकिन सपना जो हैं, इनका संघर्ष, इनकी मेहनत की वजह से जो है हम आज 40-50% जो है हम रिकवर कर गए। एक तरीके से डॉक्टर को फेल कर दिए हैं इनकी मेहनत की वजह से। जी, साक्षात देवी आई, साक्षात देवी हैं। जब मैं सर के साथ ऐसी घटनाएं हुई और आपको उस टाइम पता हुआ, तो आपके मन में क्या विचार आया उस समय? मैं एकदम टूट गई थी। एकदम फ़ोन आया कि इनका एक्सीडेंट हो गया, तो मम्मी हम यहाँ पे बैठे आराम से खाना पीना खा के बैठे ही थे, तुरंत फ़ोन आ गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया और बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोगों के जैसे पैर से ज़मीन ही नहीं रही, हम लोग तुरंत वहीं पर बैठ गए और एक बहुत तेज़ी से रोने लगे। यही सोचते रहे जल्दी मम्मी कैसे भी करके हमें दिखा दो, एक बार देखना चाहते हैं मतलब कैसे क्या हुआ है। तब हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि गांव है, गांव में ज़्यादा बहुएँ बाहर नहीं निकलती। तो पापा इन्हें लेके तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचे, जिला अस्पताल से सीधा इन्हें कानपुर हैलेट में भर्ती करने के लिए रेफ़र कर दिया गया। अब हम कानपुर कैसे जाए यही सोचते रहे। फिर हमने तुरंत अपने घर में बोला मम्मी, हम और मम्मी सुबह मतलब उठ के हमें इन्हें देखना है कैसे भी करके, क्या चोट लगा, क्या दिक्कत है, क्योंकि तब फ़ोन ज़्यादा नहीं थे हम लोगों के पास, एक ही फ़ोन था, वो ये ले गए थे। अब हम बहुत परेशान थे कैसे भी करके जा। फिर हमने कार्तिक, मेरा 2 साल का था जब इनका एक्सीडेंट हुआ, तो सुबह कैसे भी करके जुगाड़, हम लोग हम सुबह ट्रेन से मम्मी, हम, कार्तिक, सुमितैया मेरे देवर हैं, वो हमको लेके गए। मैंने इन्हें देखा हॉस्पिटल में, ये रूम में बैठे थे, लेटे थे, मतलब बेड तो पाते नहीं थे। और हमने इनका जो चेहरा देखा तो एकदम ऐसा लगा जैसे कुछ है ही नहीं मेरे शरीर में। इनका जो फेस था एकदम मुरझाया हुआ था, इन्हें भी अजीब था। हमने ये सोचा था कि शायद ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा, शायद पैर टूट गए हों या ठीक हो जाएंगे। हाँ, नॉर्मल, सबका कभी ऐसा सुना ही नहीं था, कभी ऐसा केस ही नहीं हुआ था, ना हमने कभी सुना था रीढ़ की हड्डी में भी ऐसे चोट लग जाती है कि चल नहीं पाते हैं। तो हम लोग यही सोच, डॉक्टर भी कभी ये नहीं बोले 4-5 दिन कि ये चल नहीं पाएंगे, उन्होंने बोला हो जाएगा, ऑपरेशन होने के बाद ही ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग इसी उम्मीद में बैठे रहे। इनके जो पैर थे तुरंत ही बंद हो गए चलना, बिल्कुल ही बंद हो गए थे। फिर इन्होंने हमसे बोला सपना अब उम्मीद न करना चलने की, हमें लग रहा है कि मेरी कमर जो है ना ख़त्म हो गई। हमने तभी इनसे कहा हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि भगवान सबकी सुनता है, अपन दोनों लोगों की भी सुनेगा भगवान। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया जो अपने लोगों के साथ बुरा हुआ। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा साहस दिलाया, उम्मीद दिलाई, और हमने इनसे ये भी बोला तुम नहीं चल पाओगे, हम तो हैं, हम तुम्हारे पैर बनेंगे, तुम्हारा बेटा है, कभी उम्मीद मत हारना कि हम दुखी हो, कि हम चल नहीं पाएंगे, कि मेरा कोई नहीं है। हम बराबर इन्हें हिम्मत ही दिलाते रहे और आज भी इनके साथ हिम्मत ही देते रहते हैं। मैं साथ ही एक चीज़ बता दूँ, ये घटना सन 2013 में हुई थी जब केदारनाथ आपदा हुई आई थी, उस सन की घटना है। और इनकी जो इनका जो जीवन शुरुआत हुआ था दंपत्ति जीवन, सन 2009 की घटना है। 2009 से
चार साल ठीक बाद ये घटना है। भैया जी, मैम, आपका अहम रोल है। भैया के साथ ऐसी घटनाएं हुई, आपने ऐसे सिखा। आज के युग में, कल युग जो जमाना चल रहा है, नई नई बहुएं आती हैं, अगर उनके पति के प्रति या उनके घर के प्रति कुछ ऐसी घटनाएं अगर हो जाए तो सबसे पहले मायका का रोल होता, मायका का एक अहम माता पिता का आता है कि बिटिया ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई है, अगर आपका मन करे तो रहे, नहीं तो आइए हम आपका दूसरा सेटअप करवा दें। इसमें आपके क्या विचार, उस समय आपके मायके का क्या रिएक्शन आया था? मेरे मायके वाले जो है ना, मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी हिम्मत है, क्योंकि मेरे मायके वाले ने कभी हमें ये फोर्स ही नहीं किया कि बेटा ये मतलब छोड़ के चली जाओ, ये कुछ नहीं है। वो हमेशा यही बोलते हैं, जो कुछ भी है, तन मन धन स्वर्ग नरक सब यही है बेटा, और इनकी इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि सब लोग तुम्हें याद करें, और तुम्हें कुछ भी करके न चलाना है। मेरा भाई है, मेरे पापा मम्मी हैं, हमसे ज़्यादा इन्हें प्यार करते हैं, और यही बोलते हैं बेटा हमेशा चेहरे पे स्माइल रखा करो, कभी भी उदास होना मत, कभी ये महसूस न करना कि हम चल नहीं पाते। कि हमारी मम्मी मेरी हमेशा ही बोलते हैं तुम उनकी हिम्मत बनो, तुम्हारा बेटा है, तुम हो, तीनों लोग हमेशा खुश रहो और एक दूसरे का साथ दो। ऐसे घटनाएँ हुई उस समय आपकी उम्मीदें टूटी थी पूर्व से, तो उस समय आपका फर्स्ट टाइम, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दिया था कि ये कभी चल नहीं सकते, तो आपने किस उम्मीदें से इतनी इनकी सेवा की, बाकी जो उपचार किए घरेलू उपचार की, तो किस उम्मीदों पर, कभी आपको इस सब के बारे में नॉलेज था कि क्या ऐसे ऐसे सिस्टम होते हैं जिससे ठीक हो सकते हैं? तो इस पर मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, मेरी मम्मी जो है ना बहुत पूजा पाठ करती हैं, और भगवान के प्रति मुझे बहुत ज़्यादा आस्था है। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी, मतलब ये क्या चोट है, क्या होता है, क्या नहीं होता, हमने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जैसा भगवान कहेंगे वैसे ही हम लोग करेंगे, जब उनका मन होगा वही सब कुछ, मतलब भगवान के ऊपर का। मेरे अंदर पता नहीं कैसे अंदर से शक्ति ऐसी रहती है कि भगवान के प्रति जब पूजा करते हैं इनके ही बारे में रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में आइडिया आता रहता है कि इनको ये कराओ इससे इन्हें फ़ायदा मिलेगा, इससे ही कराओ इससे फ़ायदा मिलेगा, तो हम पूरा दिन इनमें ही लगे रहते हैं कुछ कुछ नया करने की कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट किया और भरोसा किया और उस उम्मीद से आगे बढ़े, क्या कभी भगवान ने ऐसा संकेत आपके मन में आपके समक्ष रखा होगा जिससे आपके पति पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं? मैं बालाजी की बहुत पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और बालाजी की तरफ से मुझे साक्षात, मुझे यही समझ लो भगवान खुद स्वयं दर्शन देते हैं, यही बोलते हैं बेटा बिल्कुल भी चिंता न करना, आज नहीं तो कल ही अपने पैरों पर जरूर खड़े होंगे। क्या लगता है कितना समय लग सकता है? समय क्या, एक या दो साल में 100% ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ये लगभग 13 की घटना है, 11 साल बीत गए, लेकिन हमारी उम्मीद कभी भी कम नहीं हुई, ना होगी कभी जिंदगी में, जब तक इन्हें चला ना लेंगे तब भी हम भी चैन से ना बैठेंगे। एक साल दो साल में उम्मीदें हैं, उम्मीद हमें पूरी 100% है कि ये दो साल के अंदर अपने पैरों पर स्टेक लेके जरूर चलेंगे। पैर जब उसमें घटनाएं हुई तो पैरों में कंपन क्या हुआ, कैसे थोड़ा सा उंगली, क्योंकि उसमें पूरा इनका पैर काम नहीं कर रहा था, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया था। इनका क्या है ना, इनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो ये लेटे थे, इनका ऑपरेशन हो गया, इनको बाथरूम वगैरह कुछ नहीं होती थी, बिस्तर पे ही लेटे लेटे, मतलब कि कैथेटर द्वारा या डॉक्टर खुद आते थे करने के लिए, तो वहाँ पे कानपुर में जब वहाँ थे एक मतलब शंकर जी का मंदिर था भोलेनाथ का, हम भी भोलेनाथ के बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत पूजा करते हैं हम, बहुत सच्चे भावों से बहुत श्रद्धा लेके हाथ जोड़ के गए थे, भगवान एक बार इनका ऐसा कर दो जो टॉयलेट हो जाए। भगवान ने ऐसा चमत्कार पहली बार हमारे साथ ऐसा किया कि हम वापस लौट ही रहे थे, इनकी अचानक टॉयलेट हो गई। उस दिन से हम मतलब पूरे हॉस्पिटल में भागे भागे घूम रहे थे कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, मतलब टॉयलेट हो गई, कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कभी भी टॉयलेट नहीं कर पाएंगे, कि इनके कैथेटर या नली वगैरह हमेशा पड़ी रहेगी। हमने भगवान से यही बोला था, भगवान इनकी कैसे भी करके इनकी नली या कैथेटर से दूर रखो, इनकी टॉयलेट हो जाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ पे हमारा इतना विश्वास, उन्होंने हम पे इतना भी बहुत ज़्यादा उपकार किया है, तुरंत इनकी टॉयलेट हो गई। तब से हम पूजा पाठ तो वैसे भी बहुत करते, अब बहुत ज़्यादा करते हैं, और भगवान पे मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है कि वो 100% इन्हें सही करेंगे। प्रभु बालाजी की भक्त हैं, बहुत आस्था रखते हैं उनकी, बहुत साधना है उनमें,
कभी बाबा बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात हुई क्या? मिलना हमें उनसे मिलना है, 100% हम उनसे मिल के रहेंगे। ऐसा एक ना एक दिन जरूर होगा जब वो खुद हम लोगों को बुलाएंगे अपने पास। पर्चा खुलेगा? हाँ, पर्चा खुलेगा, हम चाहते हैं खुले। भैया उस समय की बात करें जब आपके साथ घटनाएं हुई, फर्स्ट विचार आपके मन में क्या आया था? देखो, सबसे बड़ा विचार यही आया था कि मेडिकल साइंस अपनी बहुत आगे निकल चुकी है, विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, तो ऐसा चोट तो ना तो मैंने पहले कभी देखा था और ना कभी मैंने सुना था कि फर्स्ट हुआ था मेरे साथ। तो मैंने सोचा था कभी झटका अटका लग गया है, पैर हैं अभी जलन टाइप हो रहा है पैरों में, तो हो सकता है कुछ मेडिसिन चलेगा, कुछ टाइम 6 महीने साल भर ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे डायरेक्ट ये बोला कि बेटा अब आपका चलना बहुत ही मुश्किल है, अगर इसकी रिकवरी होगी तो एक्सरसाइज से होगी, तो फिर सपना को थोड़ा हिम्मत लगा क्योंकि उन्होंने बोला एक्सरसाइज से होगी, तो उन्होंने उसी टाइम भी प्रण कर लिया था कि अब हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम इनको चला के रहेंगे। कार्तिक जी आपके पास आए, कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूं। किस क्लास में पढ़ रहे हो? 9th। अगले साल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हिंदी बोर्ड? सीबीएसई। जब पापा के साथ ऐसी घटनाएं उस वक्त की? अब मैं तो बहुत छोटा था, मुझको याद भी नहीं कि कैसे पापा थे, कैसा उनका एक्सीडेंट हुआ था, पर पापा ने अपनी कहानी बताई तब मुझको पता चला कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसमें क्या आया था मन में क्या आया? उसमें उस समय मैं बहुत छोटा था, उसमें दो साल का था, उसमें मेरा मतलब अच्छे से मैं चल भी नहीं पाता था। है हाँ, अभी मन में ये विचार आया कि जिस प्रकार से आप कॉलेज स्कूल जाते हो, तमाम सबके हर आपके फ्रेंड जो होंगे उनके पापा आते छोड़ने, फिर पिकअप करने भी आते, आपके मन में भी क्या ऐसा सवाल आया कि काश मेरे? बिल्कुल आया, मेरे फ्रेंड ने भी एक दो बार पूछा है कि आपके पापा मतलब क्यों नहीं आपको लेने आते हैं। मैंने फिर उनको अपने पापा के बारे में बताया तो उनको भी बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं। हाँ, और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मतलब अन्य लोगों के पिताजी लेने आते पर मेरे नहीं आ पाते हैं। बुरा लगा, लेकिन उस समय आपको सहन से कि काश उस अवस्था में पिताजी मेरे नहीं है कि नहीं मेरे पिताजी भी आते? हाँ, मेरे उस मतलब अब तो स्कूटी ले लिया है, अब तो मेरे पापा कभी कभार चले जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होता है तब भी चले जाते हैं। इसके पहले कौन जाते? इसके पहले मेरे बाबा जी जाते थे। हाँ, जाते जाते क्या संदेश देंगे जो आजकल के दंपति जीवन चल रहे, इस कलयुग के रिश्ते बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहते, पहले के जवाने के जो रिश्ते थे अभी तक चले आ रहे, हर एक चीज़ का नियम होता है, महिलाएं अभी भी पर्दे में रहती है, और आज के ज़माने में आप देख ही सकते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी इस कहानी के? बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये 7 जन्मों का बंधन है, इसे इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ना चाहिए, कि जैसे ही सुख में तो बराबर साथ रहेंगे हम, बस जितना सुख है तो सुख तो भोग रहे हैं, जैसे ही दुख आता है तो वैसे फिर हमारे रिश्ते थोड़े से कमज़ोर होने लग जाते हैं। बस यही रिश्ते, यहीं से तो असली रिश्तों की पहचान होती है, और उसमें बहुत सारे रिश्ते जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि 7 जन्मों का बंधन है, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, हर कठिनाई से अगर लड़ना चाहिए, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैम आपका क्या विचार रहेगा, क्या सजेशन देंगी आम जनता को? हम तो यही सजेशन देंगे सबको, चाहे कोई भी हो, हर सुख दुख में ऐसे ही साथ रहना चाहिए एक दूसरे का, क्योंकि परिवार से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। और चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम भी जो है सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सपना सुबोध हार्डवर्क, और हमारे फेसबुक प्रोफाइल का नाम है सपना चतुर्वेदी। तो आप सभी लोग जो है भैया को भी बहुत सपोर्ट करना और हमें भी बहुत सपोर्ट करना। मैं चाहूँगा फेसबुक पेज पे मैम का चैनल है सपना चतुर्वेदी, और यूट्यूब पे जो उनका चैनल है सपना सुबोध हार्डवर्क, ये चैनल है, और इनके चैनल पे आपको भैया से के साथ जितनी भी एक्टिविटी होती है, इनके एक्सरसाइज से लेके इनकी मेडिसिन से लेके इनके उपचार में जितनी भी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी को वीडियो के रूप में भेजा जाता है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, हम यही सब लोगों को बताना चाहते हैं, जब भी हमारा वीडियो है आप सभी लोग लाइक कमेंट कर दिया करो, फॉलो भी कर लिया करो, और आप लोग जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम लोग आगे भी बढ़ पाएंगे। और भैया हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम वीडियोस इसलिए भी डालते हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैली हुई है, अगर हमारे वीडियोस से अगर किसी को थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिलता है तो वो मुझे दुआएं मिलती हैं, मुझे भी बहुत आशीर्वाद मिलता है।
ये पब्लिक का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनका ही सपोर्ट है कि सोशल मीडिया पे आज हम लोग यहाँ पे हैं। ऐसी विचारधारा रखने वाले बहुत कम शख्स मिलते हैं, क्योंकि आज का जो ज़माना है लोग सोशल मीडिया पे गंदी चीज़ें को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो अच्छे वर्क करेंगे, जिसे समाज में कुछ नॉलेज मिलेगा, उन्हें लोग पता ना जाने क्यों अनफॉलो, कोई मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं करता। प्लीज़ ऐसे जो शख्स हैं जो अच्छी वीडियो एक समाज को एक नई दिशा देने वाले, उनका सपोर्ट करिए, भैया का सपोर्ट करिए। क्या आपको ये कहानी इंटरेस्टेड लगी? फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखते रहेगा सनी क्रिएटर। मैं आपका छोटा भाई सनी, धन्यवाद।